हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए जो ये मेरा इंग्लिश गुलाब है जो मेरा पॉलीबैग्स में लगा हुआ है। इसके नीचे से ये स्कर्स स्कर्स निकल रही है। इनको आपको तोड़ देना है नीचे से। ये जो हमारे जिस पे हमारा इंग्लिश गुलाब ग्राफ्ट हुआ हुआ है ये उसके नीचे से निकल रही है। अगर आपने इनको नहीं तोड़ा तो ये नीचे से ग्रो जाएगा और अपना जो मेन गुलाब है उसको ग्रो नहीं होने देगा अच्छे से। ये देखिए, ये मैंने इनके स्कर्स निकाल दिए हैं। आपको इन्हें बिल्कुल भी नीचे से निकला हुआ जो भी ग्राफ्टिंग पोर्शन है, ये देखिए मेरा ग्राफ्टिंग पोर्शन नीचे से निकला हुआ है, उसको आपको रहने नहीं देना। ये देखिए, मैंने इन दोनों को निकाल दिया है बिल्कुल नीचे से। ये देखिए, ये पहले जब निकला था तो मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया था, यहाँ से तोड़ दिया था, तो ये फिर से यहाँ से ऊपर से निकल गया। तो आपको इसको नीचे से ही तोड़ना है क्योंकि ये ऊपर से फिर निकल आता है। इससे आपके प्लांट जल्दी ग्रो करेंगे क्योंकि नीचे से अगर ये ग्रो होने लग गए तो सारी ये प्लांट की जो न्यूट्रिशन और पावर है सारे अपने आप ले लेंगे और प्लांट को ऊपर से ग्रो नहीं होने देंगे जिस कारण ये सूख जाएगा। इसलिए आपको नीचे से निकले हुए जो ये नीचे से फुटाव होता है उनको कट कर देना है, जो भी ग्राफ्टिंग पोर्शन के नीचे होता है। इससे आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। ये मेरा पॉलीबैग्स में लगा हुआ है, अब देख सकते हो। और इसमें देखिए बिल्कुल चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया गया है। ये नर्सरी से लाया हुआ है, तभी का ही मेरे पास ऐसे ही रखा है। मैंने इसे गमले में शिफ्ट नहीं किया है। जब गमला मेरे पास होगा तो मैं शिफ्ट कर दूंगा। अभी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें तो यह भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये देखिए फुटाव हो रहा है, देखिए फुटाव हो रहा है अभी इसका। मैंने इसके सारे पत्ते नीचे गिरा दिए थे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बस यही बताना चाहता है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी।